हेलो गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोड इट अप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सी प्रोग्रामिंग, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा सी का प्रोग्राम आखिर दिखता कैसा है। एक कंप्लीट प्रोग्राम आज हम रेफर करेंगे, जिसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि सी की प्रोग्रामिंग कैसे लिखी जाती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल में एडिशन का प्रोग्राम लिखा है, यानी कि आपको दो नंबर्स लेने होंगे, जिसमें एक नंबर एक ए होगा और एक नंबर क्या होगा, बी होगा, और इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करके क्या करना है, शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन जो हमारा होता है सी प्रोग्राम में, वो होता है, उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, राइट। जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये कहलाता है हमारा प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। हैश इंक्लूड के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको कि हैश इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब इस लाइन की प्रोसेसिंग सबसे पहले की जाएगी, और इसके अंदर हैश इंक्लूड के अंदर जो हम डालते हैं वो होता है हमारा हेडर फाइल, यानी ये एस टी डी आई ओ डॉट एच हमारा क्या है, एक हेडर फाइल है, और हेडर फाइल को हमेशा इस एंगुलर ओपन ब्रैकेट और एंगुलर क्लोज ब्रैकेट के अंदर प्लेस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये लाइन हम लिखते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें इस लाइन की। देखिए, हेडर फाइल्स जो होते हैं इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस कंटेन्ड होते हैं, जैसे एस टी डी आई ओ डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड, एस टी डी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट। इस हेडर फाइल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आखिर वैसे वो कौन से फंक्शन जिन्हें हम यूज करने वाले हैं, तो देखिए इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन हमें मिलेगा जिसका नाम प्रिंटफ होगा, और एक फंक्शन जो मिलेगा उसका नाम क्या होगा, स्कैनफ होगा। इन दोनों फंक्शन को हम क्या करने जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये पहला लाइन देना पड़ेगा हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। अगर हम ये नहीं देते हैं तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ को जैसे ही अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे ये हमें एक एरर शो करेगा। तो ये हमारा पहला लाइन होता है, जिस पूरे लाइन को, यानी कि इस हैश इंक्लूड यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और एस टी डी आर डॉट एच यानी कि हेडर फाइल, दोनों को मिला के हमारा जो लाइन बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड लाइन हमारी जो है वो है वॉइड मेन। मेन जो होता है हमारा सी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मतलब अगर हमारे सी प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है, यानी कि अगर हमारे सी के प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, सी फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हमारे सी के प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन फंक्शन कहते हैं। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, फिनिश होता है। यानी एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ व्हाट, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन इसलिए मेन है, बहुत सारे फंक्शन से, मान लीजिए हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस आप में हैं, लेकिन मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन सा होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के जस्ट नीचे की लाइन जो होती है वो तो इसको कहते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, यानी ये क्या हो रहा है, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा है, यानी यहाँ के बाद अब हम अपने प्रोग्राम्स को लिखने वाले हैं जो भी हम अपने प्रोग्राम के जरिए करवाना चाहते हैं। और ये ओपन कर्ली ब्रैकेट सबसे प्रोग्राम के लास्ट में बंद होता है, जिसे कहते हैं क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये जो होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये है स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम और ये है सबसे लास्ट में, जो ये खुला था यहाँ पे ये बंद हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाला हूं एडिशन का प्रोग्राम, जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। तो जाहिर सी बात है हमें पहला नंबर रखने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, दूसरा नंबर रखने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए होगा, और फाइनली जब हम इसको ऐड करेंगे और ऐड करके रिजल्ट को स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, है ना। तो हमें तीन वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। मैंने एक यहाँ एक ए नाम का वेरिएबल माना, एक बी नाम का वेरिएबल माना और एक सी नाम का। तो यहाँ पे एक ए की मेमोरी क्रिएट हो गई, एक बी की मेमोरी क्रिएट हो गई और यहाँ सी की मेमोरी क्रिएट हो गई। अब हम प्रिंटफ फंक्शन के जरिए एक मैसेज एंटर करवाते डिस्प्ले करवाते हैं यूजर के सामने, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको रीड करते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन परसेंट डी के जरिए, और कहाँ रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ ए में। तो मान लीजिए यूजर ने जो नंबर दिया है वो ए में क्या दिया, 5 दिया। अब फिर वैसे ही मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ एंटर सेकेंड नंबर,
और जो भी यूजर ने दिया उसको हमने कहाँ रीड किया, स्कैनफ के जरिए बी में रीड किया। मान लीजिए यूजर ने यहाँ क्या दिया, 10 दिया, तो बी में क्या रीड हो गया, 10 रीड हो गया। अब अगला स्टेटमेंट जो है हमारा वो ए और बी को ऐड करता है, और ऐड करके कहाँ पुट करता है उसको, सी में पुट करता है। तो देखिए ए में क्या था 5, बी में क्या है 10, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, और ये कहाँ पुट हो गया, सी में पुट हो गया। अब सी हमारा फाइनल रिजल्ट कंटेन करता है, तो इस सी को हमें फाइनली स्क्रीन पे क्या करना है, शो कर देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक मैसेज देते हैं एडिशन इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज है वो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा एडिशन इक्वल टू। अब इस परसेंट डी का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है ये खुद को किसके साथ चेंज करेगा, सी के साथ। तो सी में कितनी वैल्यू है 15, तो यहाँ पे एडिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को भी क्लियर कर दिया, और कैसे एक एक लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन था, चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो प्रैक्टिकली करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और टर्बो सी को ओपन करेंगे। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, टर्बो सी यहाँ आ गया है, टर्बो सी टाइप करने पे थोड़ा सा ही, टर्बो सी प्लस प्लस पर क्लिक किया, ये इन्वायरमेंट जैसे ही खुला हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, और टर्बो सी स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें टर्बो सी के स्टार्ट होने पे प्रोग्राम लिखना है, तो फाइल मेन्यू पर जाके न्यू करेंगे और प्रोग्राम लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void main, दो वेरिएबल्स लेंगे ए और बी इनपुट के लिए, और सम करके किस में रखेंगे, उसे हम सी में रखेंगे। यहाँ हम प्रिंट करते हैं मैसेज स्लैश एन एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको रीड कर लेते हैं किस में, परसेंट डी जो कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, और एड्रेस ऑफ ए में हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वैसे ही मैसेज देते हैं प्रिंट ऑफ स्लैश एन एंटर सेकेंड नंबर, राइट, और उसको कहाँ रीड कर लेते हैं, स्कैन ऑफ परसेंट डी का मैम परसेंट कहाँ रीड कर लेते हैं, बी में रीड कर लेते हैं। अब हमारे पास ए और बी दोनों आ गया है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और हमारा आउटपुट जो है वो किस में कंटेन करता है, सी में। तो हम एक मैसेज के साथ प्रिंट कर देंगे कि एडिशन इक्वल टू परसेंट डी, और परसेंट डी की वैल्यू कहाँ से लेगा, वो सी से लेगा, राइट। और ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, बंद हो गया। सबसे पहले अब हम इसे सेव करेंगे, तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और हम इसको नाम देते हैं सम डॉट सी, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो रेस्पेक्टिव नाम देते हैं। नाम हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ध्यान ही रखना कि डॉट सी एक्सटेंशन जरूर होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कंपाइल करने के लिए आप ऑल्ट एफ नाइन दबाएंगे, या कंपाइल मेन्यू में जाएंगे और कंपाइल ऑप्शन है, देखिए इसका शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है, ऑल्ट के साथ एफ नाइन क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो वार्निंग्स है, जीरो एरर्स है, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल रेडी है रन होने के लिए, ठीक है। फिर से आप रन करने के लिए रन मेन्यू पे जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे, जैसे शॉर्टकट आप चाहें तो कंट्रोल एफ नाइन भी कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं। जैसे रन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास सामने एक मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज कीजिए आप 10 देते हैं, फिर एंटर कीजिए। जैसे ही आपने एंटर किया, फिर दूसरा मैसेज आया एंटर सेकंड नंबर, सपोज कीजिए आप 20 दीजिए और एंटर कीजिए। देखिए एंटर करते ही फिर से आप पुराने अपने प्रोग्रामिंग वाले स्क्रीन पर चले आएँ। रिजल्ट देखने के लिए आप ऑल्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट और F5 मैंने प्रेस किया, देखिए आपको आंसर दिखाता है एडिशन इक्वल टू व्हाट 30। तो यही हमारा प्रोग्राम था और हमने सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को अचीव कर लिया। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हम इनपुट दे रहे हैं और इनपुट हमारा खत्म होता है, वैसे ही हमारी पुरानी स्क्रीन आती है, और तब उस स्क्रीन पर हमें ऑल्ट F5 दबाना पड़ता है, तब हमें आउटपुट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं, हम इनपुट दें और इनपुट देने के बाद पुरानी स्क्रीन, यानी कि हमारी कोडिंग वाली स्क्रीन फिर से वापस नहीं आए, फिर से वहीं पे हमें फिर दोबारा ना जाना पड़े, हम चाहते हैं कि हमारा इनपुट हो और इनपुट के तुरंत बाद हमें आउटपुट भी शो कर दे, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जो सबसे लास्ट में लिखते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, इसका टास्क है किसी एक कैरेक्टर की इनपुट और लेना। मतलब जब आप अपना प्रोग्राम इसी इस लाइन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मांगेंगे, सेकंड नंबर मांगेंगे और सी इक्वल टू ए प्लस बी करके प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद ये स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, एक कैरेक्टर की इनपुट लेना। तो आप फिर से दोबारा अपने कोड वाले स्क्रीन पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ही तो आप कोई कैरेक्टर दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो
गेट सीएस क्या करता है, एक कैरेक्टर की इनपुट लेता है, जब तक एक कैरेक्टर की इनपुट नहीं मिलेगी स्क्रीन वापस लौट के नहीं आएगा। अब गेट सीएच एक फंक्शन तो है, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है, स्कैनफ एक फंक्शन है, इनका जो डेफिनेशन है वो स्टूडियो डॉट एच में लिखा हुआ है, वैसे ही हमारा जो गेट सीएच फंक्शन है उसका डेफिनेशन जो है वो लिखा हुआ है कोनियो डॉट एच में। तो आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी करना पड़ेगा। तो ये हमें बस फैसिलिटेट करता है कि हमारा इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी दिखे और तब हम फाइनल वापस लौट के अपने कोडिंग वाले स्क्रीन पे आए। ठीक है, अब इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि आपने कोड में चेंजेस किए हैं। तो कंपाइल मेन्यू में जाएंगे, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, राइट, फिर से रन मेन्यू में जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। तो इस बार देखिए क्या होता है, जैसे रन करेंगे आपसे फर्स्ट नंबर पूछा, सपोज कीजिए हम यहाँ देते हैं 100, फिर से आप जैसे इंटर करेंगे सेकेंड नंबर पूछा आपने दिया 200 और एंटर किया, देखिए मैसेज हमारा जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है और अभी भी स्क्रीन होल्ड पे है। क्यों? क्योंकि हमने गेट सीएच लगा दिया है। कीबोर्ड से आप कोई भी बटन दबाइएगा, कोई भी बटन एनी वन, जैसे ही दबाइएगा फिर से आप अपने कोड वाले स्क्रीन पे वापस लौट के आ जाइएगा। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था सी का, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम दो नंबर की इनपुट लेंगे और उसका एडिशन निकाल के स्क्रीन पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।